मॉर्निंग एवरीवन। अब ये नेक्स्ट डे है और काफ़ी लेट हो चुका है मेरा दूध बनना। मुझे डर ये लग रहा है फट ना जाए, क्योंकि मेरा ना दिमाग से स्किप हो गया एकदम से कि दूध भी आया हुआ है और उसको उबालना है। तो चलो देखते हैं बचा कि फिर इसका बनेगा पनीर। तो ही काफ़ी लेट देखते दोपहर के लंच के लिए चावल मैंने भिगो दिए हैं, क्योंकि चावल बनाऊंगी मैं, दाल बनी है साथ में। नोनो एक काम करना पड़ेगा, प्लीज़ दूध के पास खड़ा हो जाओ, मुझे कुछ तैयारी करनी है। नोनू मेरा हमेशा की तरह एक ही बार में कहना मानता है, बहुत प्यारा बेटा है ये। और अब यहाँ दूध उबल जाए तो इसको वो नेट पड़ी है, नेट से ढक दियो, ठीक है बेटा। ये रहा ये नेट है ना, इससे जैसे कि परी मुझसे एक दो दिन से कह रही है कि हाँ जी आप बोलो बेटा आप बोलो, हम किसी से बात नहीं कर सकते है ना। एमी शिमला मिर्च खाओ अपनी, इसको एक्चुअली यहाँ पड़ी हुई शिमला मिर्च का सामान दिख रहा है, शिमला मिर्च खाओ अपनी, शिमला मिर्च खाओ बेटा। एक्चुअली परी मुझसे एक दो दिन से कहती पिज़्ज़ा खिलाओ मुझे, तो उसने कल बोला था कि पिज़्ज़ा का सामान ला दो मैं बना दूँगी, मैं खुद बना लूँगी। पर अब वो स्कूल गई हुई है और मैं उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए अब पिज़्ज़ा बना के तैयार करती हूँ। स्कूल से आएगी तो उसको पिज़्ज़ा मिलेगा तो खुश हो जाएगी, तो तैयारी करते हैं पिज़्ज़ा बनाने की। ये देखिए मैंने सारा सामान कर लिया है, ये मैं चीज़ लाई हूँ, ये अमूल का ही है और हमारे यहाँ थोड़ा सा लूज़ में मिल जाता है तो ये ले लिया। ये बेस शिमला मिर्च और ये पनीर, प्याज जिस समय घर में है नहीं, ख़त्म हो चुके हैं। हाँ जी काय आपको पनीर दिया था ना सुबह, खाया नहीं, अब बोकी बोकी क्यों, नो गंदी बात, नोनू तेरे लिए भोग रही है ये, बुलाइए उसको, आवाज़ मारियो, जा नोनू भैया के पास जाओ जाओ। देखिए मैंने पनीर के छोटे छोटे क्यूब कर लिए है और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी छोटे छोटे पीसीस में कर लिए है। तो अब हम क्योंकि प्याज इस समय है नहीं तो सिर्फ शिमला मिर्च और पनीर से ही टॉपिंग करेंगे इसकी हम। ये देखिए ये मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, अभी तो ये एक बना है, मैं एक और तैयार करूँगी ताकि दोनों एक एक खा ले। ये देखिए मैंने अब दोनों पिज़्ज़ा रेडी कर दिए है और अब बस मैं परी के आने का वेट करूँगी, जस्ट वो आएगी या फिर ऐसे करूँगी राइट 3 बजे मैं इसको बनाने के लिए रख दूँगी। पर ये है कि उसको आते ही थोड़ा टाइम भी लगता है चेंज वगैरह करते हुए, तो जब वो तब मैं करेगी इसको 5 मिनट लगेंगे बनने में, तो जब वो चेंज वगैरह करेगी उतनी देर में ये बन के रेडी भी हो जाएंगे, तब मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं दूध उबालने में लेट हो चुकी हूँ, शायद ये फट जाए, पर मेरी किस्मत अच्छी है और मेरा दूध बच चुका है। देखिए दूध मेरा उबल चुका है और अब मैं इसको नेट से ढक देती हूँ, ठीक है। और पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर लिया, हम बनाएंगे इस कढ़ाई में पिज़्ज़ा। तो अभी 3:10 है, 10 मिनट के बाद बनाएंगे, अभी टाइम है परी को आने, जब तक परी को आने में टाइम है तब तक मैं चावल बना लेती हूँ ताकि गैस फ्री रहे फिर। तो हाँ और कैसे आई है, कितनी लेट आई है, मैंने आपको बताया था ना 3 बजे आती है और ये देखो 6:30 आती हूँ। हमारा पिज़्ज़ा कितना तैयार हो गया है ये आप देख रहे हैं, सारा चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुका है। तो मैं इसको परी को देती हूँ, उसे पता नहीं और वो खाना मांग रही है और वो ये कह रही है मम्मी खाना दो, लेट क्यों कर रही हो, इतना भूख लग रही है। मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जा बना रही हूँ बना लूँ। तो मैं उसको देखते हैं उसका एक्सप्रेशन कैसे। एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करते हुए कैसे रिएक्ट करती है, उसको बिल्कुल नहीं पता कि पिज़्ज़ा भी वो कह रही है कि मम्मी मैं शाम को बना लूँ पिज़्ज़ा। मैं क्या ठीक है भाई बना ले शाम को, बना ले कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम रात के डिनर में मिलेंगे और मैं अब आपको दिखाती हूँ, रात का डिनर तैयार हो चुका है और वो नोनू खाने जा रहा है। तो नोनू की डिनर की प्लेट, क्योंकि हमने सबसे पहले नोनू ही खा रहा है, उसे भूख बहुत जोर की लगती है, फेवरेट है ना इसका, इसलिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है इसकी छाछ, चटनी प्याज, नान, और ये इसकी फेवरेट दाल मखनी, फेवरेट है। वैसे मैंने इसको टेस्ट करवाई थी, कैसी बनी है? मस्त बनी है। चलो अच्छे से ना, मस्त से ही खा लियो, ठीक है ना। चल ठीक है, मैं गरम गरम बना के देती हूँ, खाओ। ये देखो, ये फिर से भाई ने खा ली, सुनने में इतना सारा गुड़ डाला, तो चार चम्मच फेंका था, ऐसे का स्पून ले गया, स्पून से खिला इसको। यार तू तो रहने दे, तू हमेशा उसके खाने पे टोक लगाता है। हाँ। अभी इतना क्यों दिया? अरे इतना सारा क्यों दे दिया? हमने कभी तेरे को खाना देते वक्त सोचा है? हम तेरे को कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं? ये खराब होएगा ना, फिर क्या लिया, आगे से खाना नहीं आएगा इसका। फर्स्ट फ्लाइट है, बता दे चुका, फर्स्ट फ्लाइट है ना जो एनसीईआरटी का, उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो डॉग भैया की, उसके मालिक ने उसको ओवर वेट कर दिया था, इतना पैम्पर कर दिया उसे। हम एमी को बहुत पैम्पर करते हैं, हम मानते हैं, बट हमको ओवर खाना नहीं देते, तो ये गलत कह रहे हैं। इसको ओवर खाना नहीं देते, ये खाना खाती कब है? इतनी तो चूजी है, हर खाने में इसके नखरे हैं। हाँ इसको पता है मेरी वार्तालाप हो रही है, मेरे बारे में हो रहा है, इसको घर से फिर निकालो। एमी ये देखो, देखा इसने मेरे को।